रायपुर पश्चिम विधानसभा शुक्रवार को पूरे तरीके से शिव की भक्ति और आस्था से सराबोर रहा। अवसर था विधायक विकास उपाध्याय की अगुवाई में आयोजित कांवड़ यात्रा का, जिसमें खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सहित हजारों लोग शामिल हुए। नेता व्यापारी से लेकर आम आदमी के बीच कोई दूरियां नहीं थी। सभी लोग सामान्य रूप से भगवान भोलेनाथ के जयकारे लगा रहे थे। सावन के पवित्र महीने में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज राजधानी रायपुर गुड़ियारे स्थित मारुति मंगलम परिसर में आयोजित भव्य कांवड़ यात्रा कार्यक्रम में शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने यात्रा के शुभारंभ में मंत्रोच्चारण और विधि विधान से कांवड़ पूजा की और कांवड़ यात्रा की अगुवाई कर श्रद्धालुओं का उत्साह बढ़ाया। उन्होंने इसके पहले मच्छी तालाब हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना कर प्रदेशवासियों के सुख समृद्धि की मंगल कामना भी की। मंदिर समिति के सदस्यों ने उनका स्वागत किया। इस अवसर पर संसदीय सचिव और विधायक विकास उपाध्याय भी सपरिवार शामिल रहे। छत्तीसगढ़ से ब्यूरो चीफ स्वाति कौशिक हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ मौजूद हैं। स्वाति, फिलहाल जिस तरीके से सीएम ने आज कांवड़ यात्रा भी उठाई, कांवड़ उठाकर उन्होंने प्रदेश की सुख समृद्धि के लिए कामना की है, क्या कुछ है हम जानकारी? जी देखिए, धार्मिक आयोजन था। प्रदेश में कई जगहों पर सावन के महीने में धार्मिक आयोजन जो है वो अलग अलग तरह के किए जाते हैं। तो रायपुर में बहुत पुराना मंदिर है जहाँ पे आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी पहुंचे थे। वहां पर पूरे कार्यक्रम में सम्मिलित हुए, साथ में कई कांग्रेस के नेता भी सम्मिलित रहे। तो पूरे प्रदेश के सुख समृद्धि की कामना की गई है। यहाँ पर कांवड़ भी उठाया उन्होंने, पूरे पूजा पाठ के दौरान वहाँ पर उपस्थित रहे थे। सीएम ने खुद यहाँ पर कांवड़ उठाया, जिस तरीके से यहाँ पर पूरा भक्तिमय यहाँ पर वातावरण देखने को मिला, बाकी जो लोग थे वो सीएम को अपने साथ देकर किस तरीके से महसूस कर रहे थे? जी बिल्कुल, बहुत हर्षोल्लास का विषय है। और जब से हम परिवर्तन देख रहे हैं कि सीएम साहब हर धार्मिक आयोजन में खुद को लोगों के बीच, लोग सीएम साहब को अपने बीच पाकर हमेशा खुश होते हैं। अलग अलग तरह के त्योहार हैं, मनाए जाते हैं प्रदेश में। अभी कुछ दिन पहले हरेली का त्योहार था, अब सावन का पूरा जब महीना चल रहा है तो इस बीच मंदिरों में लोगों के दर्शन करने वालों की भीड़ रहती है। उस बीच सीएम साहब का यूं पहुंच जाना और पूरे आयोजन में सम्मिलित होना, ये लोगों के लिए वाकई में हर्ष का विषय रहा है। जी ठीक है स्वाति, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।